तो दोस्तों आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। यहाँ पर टाइप करना है आपको SGBAU। ये टाइप करने के बाद में आपको ये ऐप दिखेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसे सिलेक्ट करना है और डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने कर लिया इंस्टॉल। उसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ ये टाइप का कुछ परमिशन से मांगेगा, स्टोरेज परमिशन, लोकेशन परमिशन और ऐसे कुछ परमिशन से वो आपको देनी है। इसके बाद मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी है। दिस ऐप इज़ फॉर 25 समर 2020। तो दोस्तों समर 2020 की एग्ज़ाम MCQ टाइप की होने वाली है, ऐसा इन्होंने इंस्ट्रक्शन में बताया। उसके बाद में एग्जामिनेशन एज पर टाइम टेबल जो यूनिवर्सिटी ने दिया है उसी के हिसाब से परीक्षा होगी। एग्जामिनेशन फॉर फाइनल ईयर सेमेस्टर, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं की एग्ज़ाम होने वाली है दोस्तों। थर्ड ईयर या फिर उससे पहले वाले जो है उनकी एग्ज़ाम नहीं होगी। ये बात आप समझ लीजिए अच्छे से। तो दोस्तों बैकलॉग जिनके हैं फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के, तो उनकी भी एग्ज़ाम होने वाली है। मतलब थर्ड ईयर के बैकलॉग्स होंगे और फाइनल ईयर की कुछ अपने रेगुलर की एग्ज़ाम या फिर बैकलॉग्स होंगे 7th सेम के, तो वो भी होने वाले हैं। तो दोस्तों इसके बाद में 50% MCQs जो है आपको सॉल्व करने होंगे। कम से कम 50% MCQs आपको जो टोटल क्वेश्चन है उनमें से सॉल्व करने हैं और 2 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। तो दोस्तों उसके बाद में जो टोटल क्वेश्चन है आप जितने अटेम्प्ट करेंगे उनमें से 50% जो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन में से 50% जो है उनके ही मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। टॉप 50%, अगर आप 70 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनमें से, मुझे एक्चुअली पता नहीं है अभी यहाँ पर भी दिया नहीं है कि क्वेश्चंस कितने होंगे, तो अगर 70 क्वेश्चन आप सॉल्व करते लेकिन 50%, मतलब अगर 40 ही है उनके क्वेश्चंस आंसर्स आपने सही दिए तो वही 40 कंसिडर किए जाएंगे पूरे 70 में से। ऐसा कुछ नहीं कि शुरुआत के ही 40 कंसिडर किए जाएंगे या फिर शुरुआत के ही जो 50 है वो ये कंसिडर किए जाएंगे। जिनके मार्क्स आपको मिल रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को कंसिडर किया जाएगा, टॉप 50 क्वेश्चंस। ओके, तो उसके बाद में आपको जो पासवर्ड और आईडी दिया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से वो आपको यहाँ पर लॉगिन करने के लिए यूज़ करने का है। और उसके बाद में ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम की वो दोस्तों 90 मिनट्स होने वाली है, तो 1.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। लॉगिन के लिए यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखता है यूज़र नेम आपको यहाँ पर डालना है और उसके बाद में पासवर्ड और लॉगिन करना है। तो यहाँ पर सिंक लेफ्ट ऐसा कुछ ऑप्शन आ रहा है, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप डिसकनेक्ट बीच में हो जाते हैं तो कितनी बार आप कनेक्ट कर सकते हैं उसके लिए ये ऑप्शन है। तो ऐसा नहीं कि आप डिसकनेक्ट हो रहे हैं और फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, डिसकनेक्ट हो रहे हैं फिर से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा काफ़ी बार नहीं हो सकता शायद। उसकी कुछ लिमिट यहाँ पर दी रहेगी एग्ज़ाम के टाइम, तो वो एग्ज़ाम के टाइम पे ही पता चलेगा। तो उसके बाद में दोस्तों फाइनल ऑप्शन जो है यहाँ पर मॉक टेस्ट, आप मॉक टेस्ट भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये मैं बता दूँ, प्रोमार्क कंपनी की ओर से ऐप बनाया गया है। मॉक टेस्ट के लिए शुरुआत करते दोस्तों, यहाँ पर आप ऐसे टच करने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शन आता है स्टार्ट मॉक टेस्ट, तो ये शुरू कर देते हैं। उसके बाद में कुछ ये टाइप की मॉक टेस्ट आपको रहने वाली है, मतलब ऐसे ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा। तो ये तो मतलब कुछ ऐसे ही आ गया है, ये हमारे टॉपिक का अगर आज पहले टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें और उसके बाद में आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ऐसा नहीं है कि एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो वही ऑप्शन फाइनल रहेगा, इसे आप चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन आंसर कोई भी एक ही रहेगा। ऐसे नहीं हो सकता कि 2 आंसर आएंगे, जो आपको सही लगे वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा, ऐसे नहीं कि कोई एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप बीच में ऐसे क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, डायरेक्ट चौथा भी मैं ले सकता हूँ और ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ये तो मतलब मॉक टेस्ट है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट का, तो ऐसी एग्ज़ाम रहेगी दोस्तों। तो आपकी कुछ भी सवाल, यहाँ पर टाइम भी आपको दिखाई दे रहा है, ये एक घंटे का टाइम यहाँ पर लगाया उन्होंने, लेकिन ओरिजिनल एग्ज़ाम जो है 90 मिनट्स की होने वाली है। तो आपके कुछ भी क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट करना है, उसके बाद में मैं अगला वीडियो बनाऊंगा आपके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। दोस्तों मेरा ये चैनल आपको बहुत ही मतलब इन्फॉर्मेशन और मज़ेदार भी साबित होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक टेक चैनल भी है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मेरा नाम है समाधान और मिलते हैं एक और वीडियो। दोस्तों एक्चुअली ये ऐप के बारे में कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट मुझे तो मिली नहीं है, लेकिन मैंने सर्च किया तो मुझे कई जगह पर ये मिला कि इस ऐप पे एग्ज़ाम होने वाली है। तो ऑफिशियली तो मैं इससे नहीं कहूँगा, लेकिन यही कंसिडर किया जा रहा है कि इसी से होने वाली है, और लॉगिन वगैरह जो भी आप पूरा देख रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यही पे एग्ज़ाम होने वाली है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे कैमरा वगैरह कुछ नहीं है, ये मैंने रिकॉर्डिंग के लिए आपके लिए लगाया है, ऐसे कैमरा वगैरह कुछ रहने वाला नहीं है। तो ऐसे ही एग्ज़ाम आपको सॉल्व करनी है और उसके बाद में आप नीचे सबमिट का बटन है ये सबमिट कर सकते हैं। आपके क्वेश्चन जो भी है
मुझे कमेंट करके बताइए। मेरा इंस्टाग्राम का भी मैं नीचे डाल देता हूँ लिंक, वहाँ पर भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में। चलो बाय बाय।